نحمده ونستعين بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. नाउन हमने पढ़ा, नाउन में कुछ अकसाम हमने पढ़ी, अब बाकी अकसाम जो है हम इस पार्ट टू में पढ़ेंगे इंशाल्लाह. काइंड्स ऑफ नाउन का पार्ट टू है, तो पार्ट टू हम इसे अब पढ़ेंगे. पहला जो है पार्ट टू का पहला नाउन जो है कंपाउंड नाउन. कंपाउंड नाउन जो है ये दो या दो से ज्यादा नाउन से मिलकर एक यूनिट बनता है. दो या दो से ज्यादा नाउन को जब जोड़ा जाए तो वो एक यूनिट के तौर पर काम करता है, उसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन. जैसा कि नाम से जा रहा है कंपाउंड, हमने कंपाउंड सेंटेंस पढ़ा, यहाँ पे दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है, यहाँ पे दो अल्फाज को जोड़ा जाता है. दो अल्फाज कौन से? नाउन जो है. अब कंपाउंड नाउन बनाने के तीन तरीके हैं. कंपाउंड नाउन कैन बी टू इंडिविजुअल वर्ड्स. इंडिविजुअल वर्ड जैसे टाइम कैप्सूल. टाइम कैप्सूल आपके सामने लिखा हुआ है, टाइम कैप्सूल. हाइफनेटेड वर्ड्स, वर्ड जॉइंड बाय हाइफन. जैसे दो अल्फाज को, दो नाउन को जोड़ा जाए और उनके दरमियान जैसे ग्रेट अंकल, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ. फिर दो वर्ड्स को जब कंबाइन किया जाए, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, तो ये एक लफ्ज बन गया. एक लफ्ज बन के ये एक दो लफ्जों को जोड़ा, एक लफ्ज बना और एक सिंगल यूनिट के तौर पर ये काम करेगा. ये दो मुख्तलिफ नाउन नहीं लेंगे, इसका मतलब है एक लफ्ज इसको हम लेंगे, तसव्वुर करेंगे तो इसके साथ ग्रामर की रूह से हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगेगा. बास्केटबॉल दो वर्ड को मिला के एक किया, इसके साथ इज लगेगा, हैज लगेगा, वॉज लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा. टाइम कैप्सूल के साथ भी सिंगुलर वर्ब लगेगा. कंपाउंड नाउन जितने भी हैं इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे. इसके बाद दूसरी किस्म आती है कलेक्टिव नाउन, ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स. जब लोगों को इकट्ठा कर दिया जाए और उनके लिए एक नाम तजवीज हो जाए, जैसे लोग किसी थिएटर में गए हैं, सिनेमा में गए हैं, आप सुन रहे हैं मुझे, तो वो कलेक्टिव है, कलेक्शन ऑफ पीपल है, कलेक्शन ऑफ नाउन्स है. ऑडियंस, पुलिस, आर्मी, कैबिनेट, पार्लियामेंट, सेनेट. ऑडियंस भी इसी तरह हजूम, लोगों का हजूम. तो ये सिंगुलर गिना जाता है, ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग जो है ये सिंगुलर गिना जाता है, सिंगुलर है. इसके साथ वर्ब कौन सा लगेगा? सिंगुलर लगेगा. फैमिली के साथ वर्ब कौन सा लगेगा? सिंगुलर लगेगा. इट्स ए ग्रुप ऑफ पीपल बट कंसिडर सिंगुलर, एक कंसिडर इसे किया जाएगा. क्राउड, हजूम, लोगों का हजूम. मजमा, मजमा सिंगुलर है. इसके लिए एक कलेक्टिव वर्ड हमने चुन लिया लोगों के हजूम को बयान करने के लिए, सिंगल सिंगल हम उसे नहीं ले सकते. तो कलेक्टिव हर्ड, भेड़ों का हर्ड, या स्वाम, मक्खियों का जत्था. इसी तरह जितने भी ऐसे जो हम लेते हैं किसी भी हजूम की सूरत में, पैक, पैक ऑफ वर्ब्स, पैक ऑफ लाइंस, तो वो हम उस पूरी स्पीशीज को ले रहे होते हैं. फैमिली एक यूनिट बन गया, ऑडियंस एक यूनिट बन गया, और ये सारे वर्ब, सारे नाउन जो है कौन से हैं? सिंगुलर हैं. वर्ब इनके साथ फिर कौन सा लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा. ग्रामर में ये नाउन जो है वो उनकी जमा भी होती है, और जमा बनाने के कुछ असूल हैं. अगर
इसमें जमा हम बाद में आते हैं, पोजेसिव नाउन। पोजेसिव का मतलब है ओनरशिप, कब्जा करना, मिल्कियत होना। अब इनके साथ अपोस्ट्रोफी जब हम लगाते हैं, सिंगुलर नाउन जो है, जैसे डॉग है, डॉग डॉग के जो है उसके साथ सिंगुलर है, अपोस्ट्रोफी भी लगाएंगे, एस भी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अपोस्ट्रोफी भी लगाएंगे और एस भी लगाएंगे, सिंगुलर है। सिंगर है, सिंगुलर है, तो सिंगर के साथ अपोस्ट्रोफी भी लगाएंगे और एस भी लगाएंगे। अगर ऐसे प्लूरल जिनके जो एस पे एंड होते हैं, एस पे एंड होते हैं, फिर सुन लें, ऐसे प्लूरल नाउन जो जिनके एंड पे एस आता है, उनके साथ हम अपोस्ट्रोफी सिर्फ लगाते हैं, एस अजा और का मजीद एस का इजाफा नहीं करते, क्योंकि ये हिसिंग साउंड देता है। जैसे सिंगर्स प्लूरल हो गया, डॉग्स प्लूरल हो गया, एस आखिर में आ गया, तो एस अपोस्ट्रोफी वाला एस जो है हमने हजफ कर दिया। अगर जमा है लेकिन उनके आखिर पे एस नहीं आ रहा, तो फिर उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी भी लगाएंगे और उसके साथ एस भी लगाएंगे। जैसे मेंस है, माइसेज है, माइसेज है, तो इनके ये प्लूरल हैं, इनके आखिर पे जो है एस नहीं आ रहा, तो फिर अपोस्ट्रोफी भी लगेगी और एस भी लगेगा। अब प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन जो है वो प्लूरल नाउन जो है उसकी कुछ गाइडलाइंस है कि कैसे प्लूरल बनाना है, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाना है, कैट से कैट्स, कंप्यूटर से कंप्यूटर्स। लेकिन अगर अगर जो है वो सिंगुलर एंड हो रहा है एस पे, एस एच पे, सी एच पे या एक्स पे, तो उसके साथ उसको प्लूरल बनाने के लिए ई एस का इजाफा करेंगे। अगर नाउन जो है एंड होता है कॉन्सोनेंट पे, वाई पे, तो वाई जो है इसको आई में चेंज करके ई एस उसके साथ लगाकर इसका प्लूरल कर देंगे। अगर नाउन एंड हो रहा है वॉवल पे और उसके बाद आता है वाई, तो उसके साथ सिर्फ एस ऐड करेंगे। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान में रखिए, जो नाउन एंड होते हैं क्यू यू वाई पे, क्यू यू वाई पे, वो इस असूल को फॉलो नहीं करते। वहां पर आपने वाई को कट करके आई ई एस ही लगाना है, वाई को आई में ही चेंज करना है और ई एस लगाना है। ये था आज का लेक्चर, नाउन और उसकी काइंड्स। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ बाद जो है फिर हाजिर होंगे हम।